ओम शांति। बीके चटपटी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चाउमीन। तो चाउमीन के लिए हमने लिया है, तो चलिए देखते हैं। हमने चाउमीन के लिए लिया है गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, रेड और येलो शिमला मिर्च भी लिया है। चाउमीन हमने यहाँ पे आधा किलो पहले से ही उबाल के रखा हुआ है। उसके लिए हमने यहाँ पे तड़के के लिए रिफाइंड लिया है, हरी मिर्च, नमक, डेगी मिर्च, हींग, अजवाइन और विनेगर। हम यहाँ पे किसी भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बिना लहसुन प्याज के आज हम ये चाउमीन बनाएंगे। और हम यहाँ पे कोई भी, जैसे कोई सॉस होती है या कुछ होता है उसमें लहसुन प्याज होता है, हम वो भी यूज नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चाउमीन का तड़का देते हैं पहले सब्जियों का। तो यहाँ पे हमने रिफाइंड डाल देते हैं, 4 से 5 बड़े चम्मच आप रिफाइंड डाल दीजिए। तो अब हम इसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल देंगे, जो हमने 8 से 10 मिर्ची काट के रखा हुआ था वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। आधा चम्मच हम इसमें हींग डाल देंगे। आधा पौना चम्मच इसमें डेगी मिर्च। और इसके साथ साथ हम इसमें गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, और जो हमने ये दोनों शिमला मिर्च लिए थे रेड और येलो, वो भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब इसमें 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक देते हैं कि ताकि सब्जी हमारी पक जाए। 7 मिनट हो चुके हैं और अब हम देख लेते हैं हमारी सब्जियां पकी है क्या। हमारी सब्जी ऑलमोस्ट पक चुकी है बिल्कुल। गाजर को भी देख लेते हैं एक बार, पक गई है। तो अब हम इसमें जो हमने चाउमीन उबाल के रखा था वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। चाउमीन को आपने धीरे धीरे डालना है, एक साथ नहीं डालना है क्योंकि चिपकी हुई होती है। तो अब हम इसको मिक्स कर देंगे। हम एक पलटा और ले लेते हैं साथ में, तो दोनों की सहायता से हम इसको मिक्स कर देंगे। जो हमने विनेगर लिया था 4 से 5 चम्मच, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इस पे थोड़ा सा नमक और डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार रखना। यहां हमने आधा चम्मच नमक डाला है।
तो ये हमारी चाउमीन तैयार है। अब हम इस पे हरा धनिया डाल देंगे। हमें जरूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और इसको जरूर 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 बनाना, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। ओम शांति।